हेलो देश के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से एक वेरी वॉर्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं हूँ अभिषेक और मैंने नीट 2021 और 22 को क्रैक किया है विद अ वेरी गुड स्कोर ऑफ लाइक 640। और अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नीट बेस्ड एक सीरीज़ जिसमें कि NCERT की लाइन टू लाइन डिटेल्ड रीडिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आपको दी जाएंगी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी NCERT के डाटा को फॉरएवर याद रखने के लिए। इसके अलावा DPP, क्वेश्चन बैंक्स और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने कल एपिथेलियल टिश्यू को बेसिकली पढ़ा था, आज भी हम एपिथेलियल टिश्यू को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके जितने भी टाइप्स हैं और एग्जांपल्स हैं उनके बारे में दोबारा से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और आज मैं कोशिश करूँगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक को भी कवर कर लूँ अगर हो सकेगा, नहीं तो मैं कल आपको बेसिकली शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर दूँगा। और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल के लेक्चर के बारे में। तो मैंने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था, ठीक है ना, उसके फीचर्स बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था कि वो अवेस्कुलर होता है। दूसरी चीज़, उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो एब्सेंट होता है। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि इंटरसेलुलर स्पेसिस भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। चौथी चीज़ बेसिकली मैंने उसके बारे में बताई थी कि वो लाइनिंग्स और बेसिकली कवरिंग्स के अंदर पाया जाता है। पांचवी चीज़ थी कि बेसिकली वो हाईली रीजनरेबल होता है और उसका ओरिजिन मैंने बताया था कि वो एक्टो, मीजो और एंडो तीनों जर्म लेयर से बेसिकली हमारे पास बनता है। उसके बाद हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बात करी थी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हमने कहा था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, बेसल मेम्ब्रेन और हमारे पास रेटिकुलर मेम्ब्रेन। रेटिकुलर मेम्ब्रेन फाइबर्स की बनी होती है और जो बेसल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और हमारे पास म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। और उसका जो बेसिकली नेचर है बेसल मेम्ब्रेन का वो कैसा होता है, जेली लाइक या जेल लाइक बेसिकली हमारे पास उसका नेचर होता है। और उसके बाद हमने उसकी फंक्शंस के बारे में बात करा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन की फंक्शंस के बारे में बात करा था कि वो इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है और हमारे पास क्या करती है, केमिकल एक्सचेंज में हेल्प करती है। उसके बाद हमने एपिथीलियम को डिवाइड करा था, हमारे पास एपिथीलियल टिश्यू को बेसिकली हमारे पास डिवाइड करा था सिंपल एपिथीलियम में और हमारे पास कंपाउंड एपिथीलियम में। और सिंपल एपिथीलियम में हमने डिवाइड करा था क्योंकि उसके पास सिंगल लेयर होती है और कंपाउंड एपिथीलियम में इसलिए डिवाइड करा था क्योंकि उसके पास हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं। सिंपल को फिर हमने बेसिकली यहाँ पर फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड करा था, स्क्वेमस एपिथीलियम में, कॉलमनार में, कॉलमनार में क्यूबॉइडल में और हमारे पास स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में। और हमने कंपाउंड को डिवाइड करा था हमारे पास स्ट्रेटिफाइड में और हमारे पास बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशनल में जिसे हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो हमारे पास एपिथीलियम था वो फिर फर्दर हमारे पास तीन में डिवाइडेड था, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। स्क्वेमस के बेसिकली फिर फर्दर दो हमारे पास टाइप्स थे, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। और आज हम शुरू करते हैं हमारे पास हमारा सिंपल एपिथीलियल टिश्यू। तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ एक बार, सिंपल एपिथीलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल एपिथीलियल टिश्यू बेसिकली हम आज पढ़ेंगे और इसके हम वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है सिंपल एपिथीलियल टिश्यू हम किसे बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक ही लेयर होती है हमारे पास किसकी, एपिथीलियम की, है ना। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथीलियम होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं सिंगल लेयर ऑफ एपिथीलियम हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका जो हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन करा था वो कैसे करा था कि यहाँ पर हमारे पास इसके चार टाइप्स थे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और हमारे पास कौन सा था, जो चौथा वाला था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हमारे पास बेसिकली हमारे पास एपिथीलियम था। और इसमें मैंने कहा था कि जो हमारे पास ये नीचे वाले तीन होते हैं इनके अंदर हमने सीलिया के बेसिस पर भी इसे डिवाइड करा था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिलिएट होता है, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास सिलिएटेड हो सकता है और हमारे पास नॉन सिलिएटेड हो सकता है। ऐसे ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, सिलिएटेड हो सकता है और नॉन सिलिएटेड हो सकता है। ये हमारे पास सिंपल एपिथीलियम था, बेसिकली हमारे पास सिंपल एपिथीलियल टिश्यू था। और अब इसके हम बेसिकली फर्स्ट वाले एपिथीलियम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्वेमस एपिथीलियम। तो उसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पास स्क्वेमस एपिथीलियम के बारे में, स्क्वेमस मस एपिथीलियम। ठीक है, स्क्वेमस एपिथीलियल टिश्यू, ये स्क्वेमस ही लिख देते हैं, चलो एपिथीलियल टिश्यू।
टिश्यू सिंपल वाला, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स, फीचर्स कैसे होते हैं और डायग्राम्स, डायग्राम कैसा होता है इसका, है ना। तो डायग्राम इसका कैसा होता है, ये सिंपल होता है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास सिंपल स्क्विमस जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका ही हमारे पास क्या है, डायग्राम्स। और ये हमारे पास क्या है, इसकी बेसिकली हमारे पास बीच में हमारे पास मैंने सेल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। और ये 2D होता है, 2D का मतलब बेसिकली हमारे पास बिल्कुल फ्लैट जैसा दिखता है, हालांकि 2D नहीं होगा बट फ्लैट होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल 2D शेप का है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर इसका हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये कैसा होता है, बेसिकली हमारे पास सिंपल जो हमारे पास स्क्विमस एपिथेलियम है इसमें सबसे पहली बात हमारे पास सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है बेसिकली हमारे पास कि इसकी शेप कैसी होती है, यहाँ पर जो स्क्विमस वर्ड है ना, एक्चुअल में ये स्क्विमस का वर्ड जो स्क्विमस वर्ड है बेसिकली, ज़्यादातर बच्चों को लगता है स्क्विमस का मतलब होता है स्क्वेयर, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, स्क्विमस का मतलब होता है स्केल लाइक, ठीक है ना, स्क्विमस का मतलब होता है स्केल लाइक। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास ये जो सेल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है, शेप में लिख देता हूँ, शेप होती है हमारे पास स्केल लाइक, स्केल्स मतलब स्केल लाइक, जैसे किसी भी रेप्टाइल के ऊपर स्केल्स होते हैं ना, 2D होते हैं वो बेसिकली हमारे पास, 2D मतलब बिल्कुल फ्लैट से होंगे, ठीक है ना, और इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, इरेगुलर शेप के होते हैं, वैसे ही इसकी शेप होती है ऐसा, जैसा कि 2D होगा लेकिन हमारे पास कोई भी इरेगुलर शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल, ठीक है ना, पॉलीगोनल मतलब किसी भी एक तरीके से ऐसी शेप का होगा, इरेगुलर शेप का होता है, और स्केल जैसा होता है, बिल्कुल पतला सा होगा, ठीक है ना। तो स्केल लाइक लिख सकते हो और इरेगुलर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसे एक और वर्ड लिख सकते हैं हमारे पास टाइल लाइक, टाइल जो आपके फर्श पर बेसिकली जो टाइल लगती है ना, बिल्कुल उसकी तरह पतला सा होगा, ठीक है ना, टाइल लाइक, ठीक है। तो इसे क्या क्या बोल सकते हैं, स्केल लाइक बोल सकते हैं, इरेगुलर होता है, और टाइल लाइक बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे पास दिखने में टाइल जैसा होता है, इसीलिए हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास एक तरीके से पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल देते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है हमारे पास, अदर नेम क्या हो जाता है हमारे पास, पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट मतलब जिस पर आप चलते हैं ना, चलते हैं फर्श पर, ऑफ कोर्स ही बात है, तो फर्श पर टाइल होते हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से टाइल लाइक मतलब पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है ना, उससे इस वाली चीज़ की वजह से हमने इसे पेवमेंट एपिथेलियम बोला, क्योंकि टाइल जैसे दिखते हैं बिल्कुल। इसके जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल हमारे पास कैसी होती है, टाइल जैसी होती है। तो सबसे पहले मैंने बोला सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है, शेप मैंने बता दिया स्केल लाइक, इरेगुलर, ये टाइल लाइक लिख सकते हैं हमारे पास, और दूसरा नाम इसका पेवमेंट एपिथेलियम होता है। इसके अलावा इसे टेसिलेटेड भी बोलते हैं ना, टेसिलेटेड की एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, टेसिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। टेसिलेटेड क्यों बोलते हैं, टेसिलेटेड का मतलब होता है इरेगुलर शेप का, इस वजह से इसे टेसिलेटेड बोल देते हैं, क्योंकि इरेगुलर है ना, इस वजह से इसे टेसिलेटेड हमारे पास एपिथेलियम भी बोल देते हैं। तो मैंने बता दिया सिंगल लेयर होता है, स्केल लाइक, इरेगुलर, टाइल लाइक हो सकता है, पेवमेंट एपिथेलियम इसका अदर नाम होता है, इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कैसा होता है बेसिकली हमारे पास इरेगुलर शेप के होते हैं, इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो हमारे पास इरेगुलर शेप के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके कुछ फंक्शंस की बात करूं, है ना, ये तो होगा इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन इसके बहुत सिंपल है। इसका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, वो ये काम करता है, सबसे पहले बात डिफ्यूजन में, ठीक है, डिफ्यूजन में क्यों काम करता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिफ्यूजन के लिए आपको पता है सरफेस एरिया जितना, मतलब एक तरीके से ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, और विड्थ मतलब एक तरीके से विड्थ जितनी भी कम होगी, मतलब इस तरीके से जो है, मतलब उसकी एक तरीके से मैं आपको कैसे समझ रहा हूँ कि ये जैसे बोर्ड है, ठीक है ना, ये बोर्ड जितना चौड़ा होगा, ठीक है, चौड़ा होगा, चौड़ाई में जितना ज़्यादा होगा उतना तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है डिफ्यूजन के लिए, लेकिन जितना ये पतला होगा ना उतना एक तरीके से और ज़्यादा, मतलब एक तरीके से फ़ायदेमंद है, क्योंकि मोटा होगा तो हमारे पास एयर वगैरह इस चीज़ से हमारे पास डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मतलब सरफेस एरिया तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसकी जो हमारे पास एक तरीके से विड्थ है, जो मोटाई है, वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए, हमारे पास कम होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे पास एक तरीके से कागज़ की तरह होना चाहिए, ठीक है।
और क्योंकि हमारे पास 2D होता है, ठीक है, पतला सा होता है, इस वजह से हमारे पास ये क्या होता है कि इसमें डिफ्यूजन हमारे पास आराम से हो जाती है, सरफेस एरिया भी बढ़ा सकता है हमारे पास, और साथ के साथ हमारे पास क्या हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, इस वजह से इसमें से हमारे पास AR या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जिसका डिफ्यूजन होना है वो हमारे पास आसानी से इसे डिफ्यूज हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है ना, इसकी विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन इसका मेन फंक्शन होता है। तो एक और बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सिंपल स्केमस एपिथेलियम। सिंपल स्केमस एपिथेलियम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है। शेप कैसी होती है बेसिकली, हमारे पास स्केल लाइक हो सकती है, इरेगुलर और टाइल लाइक हो सकती है। और अदर नेम क्या हो सकता है बेसिकली इसका, पेवमेंट एपिथेलियम या फिर हमारे पास टेसेलेटेड एपिथेलियम। फंक्शन इसका मेन क्या होता है, डिफ्यूजन। इसके अलावा ही हमारे पास कई केसेस में प्रोटेक्शन का भी काम करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन हमारे पास डिफ्यूजन में होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसके एग्जांपल कर लेते हैं। अब मैं इसके एग्जांपल कैसे याद रखता हूँ, इसके फंक्शन से, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सिस्टम्स के नाम लिख लेता हूँ। सिस्टम्स मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने नाम लिख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिख लिया नाम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम मान लो, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मान लो, एंडोक्राइन सिस्टम मान लो, नर्वस सिस्टम मान लो, ठीक है ना। और कौन सा रह गया हमारे पास, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, ट्रांस और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगी, 3, 4, 5, 6 सिस्टम्स है हमारे पास। एंडोक्राइन सिस्टम है ना, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडो लिख लो, एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैं इसे कैसे याद रखता हूँ कि सबसे पहले मैंने सारे सिस्टम्स लिख लिए, जितने भी हमारे पास एक तरीके से बॉडी में सिस्टम्स पाए जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक के अंदर चेक करता हूँ कि क्या किसी में डिफ्यूजन कहीं पर हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी बेसिकली हमारे पास डिफ्यूजन होगा वहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। तो जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो इसमें तो कहीं पर भी बेसिकली हमारे पास डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास ब्लड के अंदर हमारे पास चला जाता है, और ब्लड वाला तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एज सच हमारे पास कहीं पर भी ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि दूसरे तरीके से हमारे पास डिफ्यूजन होता है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ रखा होगा नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन में क्या होता है हमारे पास, एक तरीके से ऐसे करके हमारे पास बाउमेंस कैप्सूल होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक नेफ्रॉन हो गया, और इस नेफ्रॉन में क्या होता है, ये बाउमेंस कैप्सूल है। और आपको पता है इस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूरिन फिल्टर होता है। यहाँ से ब्लड होता है, यहाँ से ब्लड वेसल्स आते हैं, ये ब्लड वेसल्स आते हैं, और यहाँ से बेसिकली हमारे पास ब्लड फिल्टर होकर इस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, इकट्ठा होता है यूरिन। बेसिकली हमारे पास यहाँ से इकट्ठा हो जाता है इस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि बाउमेंस कैप्सूल के अंदर डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास जो स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर होता है, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर, बाउमेंस कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। और इसमें एज सच हमारे पास कहीं पर भी एक तरीके से हमारे पास क्या बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ बाउमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सभी को पता है डिफ्यूजन कहाँ होता है, एल्वोलाई में, एल्वोलाई में, ठीक है, एल्वोलाई, जो ऐसे करके बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम होता है एल्वोलाई में, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास कहीं पर भी नहीं होता, नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास कहीं पर भी नहीं होता स्क्वेमस एपिथेलियम। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो, ब्लड वेसल्स ऑफ कोर्स, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो हमारे पास होते हैं उनकी जो हमारे पास एंडोथेलियम होती है, एंडोथेलियम, ये मैं समझाऊंगा एंडोथेलियम क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी एंडोथेलियम में गलती, हाँ ठीक है, एंडोथेलियम भी बोलते हैं उसे, और हमारे पास उसे एक और नाम देते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है ना, ट्यूनिका इंटीमा। वो हमारे पास किसकी बनी होती है, एक तरीके से ब्लड वेसल्स, वो हमारे पास किसकी बनी होती है, ट्यूनिका इंटीमा बोल लीजिए ब्लड वेसल्स की, या फिर इसे बोल लीजिए एंडोथेलियम, एंडोथेलियम भी बोल देते हैं इसे। तो वो किसकी बनी होती है हमारे पास, एक तरीके से वो हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो हमारे पास ये 3 एग्जांपल हो गए स्क्वेमस एपिथेलियम के। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं होता, नर्वस सिस्टम में नहीं होता, एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं होता, नर्वस सिस्टम में नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बता दिया बाउमेंस कैप्सूल के अंदर डिफ्यूजन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सभी को मालूम है एल्वोलाई के अंदर होता है, और ब्लड वेसल में सभी को मालूम है कि बेसिकली ब्लड वेसल जो होते हैं हमारे पास उसके अंदर भी जो डिफ्यूजन होता है वो किस लेयर के थ्रू होता है हमारे पास, इस एंडोथेलियम वाली लेयर के थ्रू होता है। इस यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर स्पेशली जो स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है उसको हम नाम दे देते हैं एंडोथेलियम,
ठीक है। और कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज उसमें सिर्फ एंडोथेलियम ही प्रेजेंट होता है, बाकी लेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से कैपिलरीज के थ्रू हमारे पास जो होता है डिफ्यूजन वो सबसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स, हालांकि हम इन जनरल बोल देते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू हमारे पास एक तरीके से डिफ्यूजन, उसमें स्क्विमस एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट होता है, पर जो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन अच्छा होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे स्क्विमस के, फिर दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई नहीं होता, एक्सक्रेटरी सिस्टम में बोमेंस कैप्सूल, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वोलाई, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई नहीं होता, नर्वस सिस्टम में कोई नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथेलियम होता है। और इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जिसमें हमारे पास अच्छे से हो सकता है वो कौन से होते हैं, हमारे पास कैपिलरीज हो सकते हैं, ठीक है, नोट कर लें इसे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ और होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कौन से होते हैं हमारे पास, मेन तो यही होते हैं। एक्स्ट्रा वाले हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा में होता है पेरिकार्डियम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास एक तरीके से, हाँ, पेरिटोनियम, ठीक। एक बार इसकी स्पेलिंग देख लेना पेरिटोनियम के, एक होता है हमारे पास पेरिकार्डियम, एक होता है हमारे पास पेरिटोनियम, ये दोनों भी हमारे पास किसकी बनी होती है, हमारे पास स्क्विमस एपिथेलियम की। अभी दोनों क्या होती है, पेरिकार्डियम क्या होती है, एक्चुअली जब आप हार्ट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा पेरिकार्डियम क्या होती है, हमारे पास हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जो स्क्विमस एपिथेलियम की बनी होती है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हार्ट का जो एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं ना, उसमें से एक जो होती है हमारे पास वो होती है पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम किसकी बनी होती है हमारे पास, एक तरीके से वो बनी होती है हमारे पास स्क्विमस एपिथेलियम की, ठीक है। और जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी पास बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी है। अब इस बॉडी में आपको पता है एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, यहाँ से मैं एक एलिमेंट्री कैनाल बना देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे हमारे पास हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, ठीक है ना। इस बॉडी कैविटी में क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइनिंग होती है, इस बॉडी वॉल पर क्या होती है, हमारे पास एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, इसे हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास पेरिटोनियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हमारे पास पेरिटोनियम बोलते हैं। इसके अलावा जो एब्डोमिन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी हमारे पास क्या होता है, कवरिंग होती है किसकी, एपिथेलियम की, उसे भी हम क्या बोल देते हैं, पेरिटोनियम। तो यहाँ पर जो स्क्विमस के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मैं उन्हें दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो स्क्विमस के पास जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, स्क्विमस के एग्जांपल होते हैं हमारे पास, सबसे पहला बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के अलावा एल्वोलाई, तीसरा होता है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल हो गया, एल्वोलाई हो गया, तीसरा होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेरिटोनियम, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पेरिटोनियम हो गया, और इसके अलावा हमारे पास क्या गया, पेरिकार्डियम, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हम स्पेशली लिख सकते हैं एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीलियम। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली कुछ सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, इन्हें नोट कर लें एक बार, ठीक है। अब इसके बेसिकली हमारे पास एक दोबारा से पढ़ लेते हैं, इसके एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, और शॉर्ट रिवीजन में मैं क्या बताऊंगा, इसके जो मैंने अभी भी बताया उसी के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम में होता है क्या हमारे पास, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम हमारे पास कैसी होती है, इरेगुलर शेप की होती है, सिंगल लेयर होती है इसमें हमारे पास, इसलिए इसे टेसेलेटेड हमारे पास एपिथेलियम भी बोलते हैं, और पेवमेंट एपिथेलियम भी इसे हमारे पास बोलते हैं क्योंकि टाइल लाइक भी दिखती है और इरेगुलर भी होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने इसको बताया इसके फंक्शंस के बारे में, मेन फंक्शन इसका डिफ्यूजन होता है, कई जगह पर ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करती है, ठीक है, पर वो बहुत लिमिटेड होते हैं, कई जगह पर ही करती है, ठीक है। इसके अलावा इसके मैंने एग्जांपल्स के बारे में बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोमेंस कैप्सूल,
फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास एल्वोलाई, फिर हमारे पास जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स, और तीसरी चीज़ बेसिकली मैंने बताई कि चौथी हमारे पास मैंने बताया पेरिटोनियम और पेरिकार्डियम, ठीक है ना। वहाँ पर हमारे पास क्या होता है पेरिटोनियम और पेरिकार्डियम, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे पास टिश्यू होता है। इसके अलावा लिम्फ वेसल्स है ना, वैसे ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, वैसे ही हमारे पास लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ वेसल्स के अंदर भी हमारे पास ये देखने को मिल सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आता है लिम्फ वेसल्स भी, तो वहाँ पर एक बार लिख लेना, मैं भूल गया था, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स हो गया, और अब शुरू करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में। सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, सबसे पहले इसका फीचर, तो भाई इसका सबसे पहला फीचर तो वही होगा कि इसमें भी सिंगल लेयर हमारे पास देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास सिंगल लेयर लेयर ऑफ एपिथेलियम ठीक है। दूसरा फीचर इसका इसके बारे में क्या होता है कि इसकी शेप जो होती है हमारे पास वो क्यूबॉइड होती है, क्यूबॉइड होती है, ठीक है ना, या क्यूब शेप लिख सकते हो, क्यूबॉइड नहीं सॉरी क्यूब शेप लिख सकते हो, है ना, क्यूब शेप, क्यूब इसकी बेस के यहाँ पर शेप होती है। ये हमारे पास कैसे दिखता है मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कैसा हो गया बेसिकली, हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, ये रही इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये ऊपर हमारे पास क्या हो गया इसके क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैंने दिखा दिया। तो सबसे पहली बात तो सिंगल ईयर होता है, शेप की बात करें तो क्यूबॉइड होते हैं। इसके बारे में इसका बेसिकली हम फिर फंक्शन याद कर लेते हैं, फीचर्स तो इसके बारे में इतने ही होते हैं, फंक्शंस के बारे में याद बात करें तो हमारे पास ये कहाँ कहाँ होता है। देखो डिफ्यूजन में तो हो नहीं सकता, क्यों, मैंने जैसा कि बताया था कि डिफ्यूजन के लिए तो हमारे पास विड्थ पतली होनी चाहिए, तो इसकी विड्थ तो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से डिफ्यूजन की जगह तो बेसिकली यहाँ पर काम नहीं आ सकता, तो डिफ्यूजन में तो ये होगा नहीं। ये कहाँ कहाँ होता है, इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस, सिक्रीशन इसका मेन काम क्या होता है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है ना। तो इसका जो बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका फीचर क्या हो गया, सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है, शेप इसकी क्यूबॉइड होती है, फंक्शन इसका क्या हो गया हमारे पास, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए ताकि हम जब शॉर्ट ट्रिक को पढ़ें तो एक्चुअल में हमारे पास हमें याद रहे कि हमारे पास एक तरीके से एपिथेलियम के एग्जांपल्स कौन कौन से थे, क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पास जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक में काम आते हैं जब हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, मेन पॉइंट ठीक है, इसका मेन पॉइंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला मेन पॉइंट इसका होता है कि ये हमारे पास टिब्यूलर पार्ट में बेसिकली यहाँ पास टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है, ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है, नेफ्रॉन मैं समझाऊंगा इसके बारे में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का मतलब क्या है, इसमें पाया जाता है। और दूसरा मेन पॉइंट है हमारे पास कि हमारे पास डक्ट्स, ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है, यानी ये दो जगह पर ज़्यादातर पाया जाता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स जो हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं उनके यूजुअली डक्ट्स में पाया जाता है। इसके अलावा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर ही हमारे पास पाया जाता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास ये नेफ्रॉन होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा नेफ्रॉन है,
ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा बेसिकली हम पास कि इसका जो ये बोमेंस कैप्सूल होता है, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ये बोमेंस कैप्सूल है जो इसका, इसके अंदर तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है ना। और बाकी जो पार्ट बच जाता है हमारे पास, इसे बोलते हैं हमारे पास टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना, टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और इसमें हमारे पास कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलता है, हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे पास देखने को मिलता है। और बाकी हमारे पास डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में भी हम एक तरीके से डिस्कस करेंगे, पर अभी इतना याद रखो कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में भी एक तरीके से हमारे पास ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास, इसके फीचर्स क्या होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है, शेप क्यूब होती है, फंक्शंस हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस होते हैं। मेन पॉइंट्स के बेस के हमारे पास इसके बारे में कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है, ये एनसीईआरटी की भी लाइन है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वाली, और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स वाली भी हमारे पास एक तरीके से एनसीईआरटी की लाइन है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और बात लिख रखी है कि ट्यूब्स में भी पाया जाता है, बॉडी के अंदर जो कुछ ट्यूब्स होती हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है बेसिकली यहाँ पर, जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसमें ट्यूब्स होती हैं, उस ट्यूब्स के अंदर भी बेसिकली यहाँ पर से पाया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने यही लिख रखा है, और ये हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाता है, डक्ट्स में पाया जाता है, और ट्यूब्स के अंदर बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं उसमें पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल्स तो इसके जो बेसिकली हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स अलग अलग जगह से आते हैं ना, मतलब जैसे वहाँ पर तो कहता है कि मैंने आपको सिस्टम से बता दिया, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पहला आता है हमारे पास, वहाँ पर तो आप डिफ्यूजन से कॉरिलेट कर सके थे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कोई कॉरिलेशन नहीं होता, हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से उसका बेसिकली यहाँ पर फंक्शन होता है। मेन तो इसका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, जो जो मैं एपिथेलियम बताऊंगा वहाँ पर, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इसका क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। तो इसका कोई कॉरिलेशन नहीं होता इसके ज़्यादा फंक्शन के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं होता इसका कॉरिलेशन। तो हम इसे क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं, शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं एग्जांपल्स लिख दूंगा, और इसके एग्जांपल्स को याद करने का आसान तरीका मैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर बताऊंगा, ठीक है। हालांकि कोशिश करना कि ज़्यादातर एग्जांपल्स आप याद कर सको, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होगी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर, जब पेपर के अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले इसका जो एग्जांपल होता है वो हमारे पास होता है थायराइड वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना थायराइड वेसिकल्स की। दूसरा जो होता है हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम, इनके बारे में बताऊंगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास होता है जर्मिनल एपिथेलियम, थायराइड वेसिकल्स, तीसरा जो होता है हमारे पास डक्ट्स, एक्चुअली में लिखना चाहिए स्मॉलर डक्ट्स, ठीक है ना, स्मॉलर डक्ट्स, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज की एक बार स्पेलिंग देख लेना, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ बेसिकली यहाँ पास पैनक्रियाज, और दो मिनट, चौथा हमारे पास क्या हो गया, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड वेसिकल्स हो गया, जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, और मैंने पांचवा बताया था ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली हमारे पास पाया जाता है। सबसे पहले थायराइड वेसिकल्स, जर्मिनल एपिथेलियम, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कौन से, एक्सेप्ट पैराटॉइड, पैराटॉइड का मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा होता है, एक्सेप्ट पैराटॉइड, जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उनकी जो डक्ट्स होती है उसमें हमारे पास ये कौन सा पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं एक तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। इसमें जो ट्यूबुलर पार्ट होता है इसका एक तरीके से हमारे पास एक मेन पॉइंट होता है इसके अंदर कि जैसे हमारे पास, मैंने दोबारा से ट्यूबुलर पार्ट बताता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट है, और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि इसे हम बोलते हैं पीसीटी,
PCT, और इसे हम बोलते हैं DCT. PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और DCT का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. तो वैसे तो सारे जो हमारे पास ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, उसके अलावा जितना भी पोर्शन होता है उसके अंदर क्यूबॉइडल ही पाया जाता है, क्यूबॉइडल, ठीक है. पर PCT के अंदर जो क्यूबॉइडल पाया जाता है ना, उसकी एक स्पेशलिटी होती है कि PCT के अंदर जो क्यूबॉइडल पाया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्यूबॉइडल बना दिए, इसके अंदर ना माइक्रोविलाइज होती हैं, ठीक है, माइक्रोविलाइज तो समझते हैं ना, ये कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जो इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बाहर आ रही होती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास कैसा अपीयर होता है, जैसे कि ब्रश होता है ना, ब्रश, उसके बॉर्डर जैसा, ब्रश बॉर्डर जैसा, ठीक है ना. तो कैसा अपीयर होता है हमारे पास, ब्रश बॉर्डर जैसा, BRUSH, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है ना. क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, हमारे पास माइक्रोविलाइज होते हैं. तो जो PCT के अंदर हमारे पास जो माइक्रोविलाइज, सॉरी, PCT के अंदर जो हमारे पास क्यूबॉइडल होता है, उसके बारे में एक स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें माइक्रोविलाई बोलते हैं. इसकी वजह से वो हमारे पास कैसा दिखता है, ब्रश के जैसा दिखता है, ब्रश बॉर्डर दिखता है. इसीलिए हम इसके जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर. इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर किसी भी हमारे पास जैसे स्क्वेमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, आगे हम कॉलमनार पढ़ेंगे, सुडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे, उसके अंदर अगर माइक्रोविलाइज दिखती है ना, तो हम एक नाम लिख देते हैं उसके आगे कि वो ब्रश बॉर्डर है, ठीक है. ये भी एक NCERT की लाइन है कि PCT के अंदर हमारे पास ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता है. तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट करके लिख लेना कि PCT के अंदर हमारे पास कौन सा क्यूबॉइडल पाया जाता है. क्यूबॉइडल तो उसमें भी होता है, लेकिन बस ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ब्रश बॉर्डर बेसिकली हमारे पास क्यूबॉइडल इसके अंदर पाया जाता है हमारे पास, एक तरीके से इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर जो हमारे पास PCT है उसके अंदर, ठीक है. तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्यूबॉइडल के बारे में. तो जो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल, जो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके जब हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहला फीचर तो ये पढ़ा था कि सिंगल लेयर्ड होता है. दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारे पास वो जो होता है, हमारे पास उसकी जो शेप होती है वो क्यूब शेप होती है. उसके बाद हमने उसके फंक्शंस पढ़े थे, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन उसका मेन फंक्शन होता है. इसके अलावा हमने क्या पढ़ा बेसिकली यहाँ पर, कि जो हमारे पास ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है. एक तो थायरॉइड वेसिकल्स के अंदर पाए जाते हैं, PCT के अंदर पाया जाता है, ठीक है, थायरॉइड वेसिकल्स के अंदर पाया जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम में पाया जाता है, थायरॉइड वेसिकल्स में पाया जाता है, और हमारे पास क्या होता है कि सेलेवरी, और हमारे पास जो हमारे पास पैनक्रियाज होते हैं उसके हमारे पास डक्ट्स के अंदर भी हमारे पास पाया जाता है, ठीक है. तो नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर, ठीक है. तो अब पढ़ते हैं बेसिकली हमारे पास कॉलमनार के ऊपर, कॉलमनार सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है. अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, फीचर्स लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है. इसके फीचर्स में सबसे पहले इसकी वही लिखेंगे कि सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है, ठीक है, सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इसकी शेप के बारे में, तो नाम से पता लग रहा है कॉलम जैसी, कॉलम जैसी मतलब कि कॉलम जैसी होगी, पिलर जैसी होगी एक तरीके से, ठीक है ना, पिलर लाइक हमारे पास इसकी अपीयरेंस होती है. कैसा दिखता है हमारे पास, मैं बना देता हूँ. तो ये हमारे पास एक तरीके से हमारे पास कॉलमनार एपिथेलियम हो गया. इसमें ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, और ये हमारे पास बेसिकली पिलर जैसे हमारे पास एक तरीके से हमारे पास सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना. तो कॉलमनार जो हमारे पास एपिथेलियम होता है कैसा होता है, पिलर जैसे उसकी अपीयरेंस होती है. और इसके बारे में NCERT एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करती है, तीसरी चीज़, कि पिलर लाइक तो होता ही है, लेकिन इसकी जो हमारे पास न्यूक्लियस होती है ना, वो नियरर टू द बेस होती है, ठीक है ना, बेस के पास होती है. ये दिख रही है यहाँ पर, इसकी जो न्यूक्लियस मैंने बनाई है वो बिल्कुल बेस के पास होती है, ठीक है. तो इसकी ओवल न्यूक्लियाई होती है,
न्यूक्लियाई होती है और नियरर टू बेस होती है, ओवल न्यूक्लियर नियरर टू बेस, ठीक है ना, बेस के बेस क्लैंपस बिल्कुल पास में होते हैं। ये इसकी बेस क्लैंपस कुछ फीचर्स थे, अगर मैं इसके फीचर्स हो गई और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शंस की तो ये हमारे पास कहाँ का काम आता है, भाई सिक्रीशन के अंदर बेस क्लैंपस ही काम आता है, सिक्रीशन इसके अंदर बेस क्लैंपस एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शंस में हमारे पास ये क्या होता है, काम में आता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लेते हैं सबसे पहले, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम क्या हो गया, फीचर्स क्या क्या हो गए, सिंगल लेयर एपिथेलियम हो गया, शेप पिलर जैसी होती है हमारे पास, ओवल न्यूक्लियाई होती है हमारे पास, नियर टू बेस होती है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास काम में आता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसके जो एग्जांपल्स है बेसिकली आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। जो बस स्क्वेमस का और आप स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड जो है ना उस एग्जांपल से याद कर लेना, हालांकि मैंने उसकी भी ट्रिक बता दी है, स्क्वेमस की भी बता दी है और स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड की भी मैं बता दूंगा, और जो बाकी सब रह जाते हैं उसको हम शॉर्ट ट्रिक से बेसिकली रिवाइज करते हैं। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि जो एग्जांपल्स हैं उन्हें अलग अलग ही आप याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक जो है वैसे तो आपके एक तरीके से आपको याद करा देगी, पर क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होगी तो अब एक तरीके से आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से मैं कहूँगा कि एक तरीके से डायरेक्टली याद रखिए, ताकि कहीं एक बार जैसे पेपर में अगर कहीं भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई तो आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के जो एग्जांपल्स होते हैं, फर्स्ट एपिथ हमारे पास एग्जांपल जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, सॉरी अच्छा एक मिनट मैं एक चीज़ बोल गया, ये चलो से बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं अभी पढ़ लेते हैं इसे। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, सबसे पहला था हमारे पास स्टमक, दूसरा होता है हमारे पास इंटेस्टाइन, इसके दो ही एग्जांपल होते हैं इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। उसमें बेस क्लैंपस ही हमारे पास एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास स्टमक और हमारे पास इंटेस्टाइन, हमारे पास क्या होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सा पाया जाता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल कॉलमनर किसकी मैं बात करूँ, नॉन सिलियरेड, जिसमें सिलिया नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने सिंपल जो हमारे पास क्यूबॉइडल बात कर रहा था वो भी नॉन सिलियरेड वाला था, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सिलिया प्रेजेंट है तो, ठीक है सिलिया प्रेजेंट है बाकी सब फीचर्स तो सेम होंगे, बस सिलिया प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिलिएटेड जो हमारे पास क्यूबॉइडल है, ठीक है, सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और इसी के नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सिंपल सिलिएटेड सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो इसका जो बेसिकली हमारे पास एग्जांपल होता है, इसका जो एग्जांपल्स होता है वो होता है लार्ज ब्रॉन्चियल्स, ठीक है। और इसका जो हमारे पास एग्जांपल होता है वो होता है स्मॉलर ब्रॉन्चियल्स, ठीक है। तो एक बार इसे देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल आता है कौन सा होता है, हमारे पास स्मॉलर ब्रॉन्चियल्स, और सिंपल जो हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है उसके अंदर कौन सा आता है हमारे पास एग्जांपल लार्ज ब्रॉन्चियल्स, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसे, ठीक है।
इसके बाद जो हम अगला वाला पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, एपिथेलियल टिश्यू। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है सूडो स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि इसमें हमें अपीयर होता है कि स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि दो लेयर्स, ठीक है ना, दो लेयर्स हमें बेसिकली दिखती हैं, लेकिन सूडो का मतलब होता है कि ऐसा अपीयर हो रहा है कि दो लेयर्स हैं लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर सिर्फ सिंगल लेयर है। ये कैसा दिखता है? दिखने में हमें ऐसा लगेगा कि कंपाउंड एपिथेलियम है लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास कैसा होता है? सिंपल होता है, ठीक है ना। मैं इसके एक बार बना देता हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है। इसमें क्या है, देखो कुछ बड़े सेल्स हैं और कुछ छोटे सेल्स हैं, तो आपको क्या अपीयर हो रहा है कि दो लेयर्स हैं, ठीक है। एक तो ये वाली लेयर है, ठीक है, जिसमें सिर्फ बड़े बड़े सेल्स हैं, और एक ये वाली लेयर है नीचे वाली, ठीक है। एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। तो आपको देखने में क्या लगता है कि स्ट्रेटिफिकेशन यानी लेयर्स के ऊपर लेयर्स प्रेजेंट है कंपाउंड एपिथेलियम में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर होती है। एक लेयर क्यों होती है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक है ना तो एक ही लेयर होती है ना, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, एक ही लेयर होती है और उसी के ऊपर बेसिकली हमारे पास ये सारे सेल्स हमारे पास क्या है, लगे हुए हैं, ठीक है ना। कंपाउंड में भी क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक ही होती है लेकिन हमारे पास कुछ सेल्स तो हमारे पास क्या होते हैं, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारे पास लगे हुए होते हैं लेकिन कुछ के पास हमारे पास उस बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो हमारे पास नहीं लगे हुए होते। इसमें तो सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से लगे हुए हैं, इसका मतलब सारे के सारे एक ही लेयर से जुड़े हुए हैं। सभी के सभी हमारे पास क्या है, उसमें सिर्फ एक ही लेयर है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास एक लेयर में तो हमारे पास बेसमेंट, एक लेयर तो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है लेकिन बाकी लेयर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई नहीं है। तो हम कहते हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर है ना, मोर देन वन लेयर, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमारे पास क्या है कि सारे के सारे एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एक ही लेयर है, एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि दो लेयर्स हैं, ठीक है। इसीलिए से क्या बोलते हैं हमारे पास स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ये हमारे पास कुछ हमारे पास एक तरीके से सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात नॉन सिलिएट्स की, नॉन सिलिएटेड की, और एक बात करते हैं हमारे पास सिलिएटेड की, ठीक है, नॉन सिलिएटेड की और हमारे पास सिलिएटेड की। तो नॉन सिलिएटेड में सबसे पहले सिलिएटेड, ठीक है ना, सिलिएटेड के अंदर आ जाते हैं हमारे पास ट्रैकिया और ब्रोंचाई, ठीक है, ये दो आते हैं हमारे पास, ट्रैकिया और ब्रोंचाई। और नॉन सिलिएटेड के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, सबसे पहले आता है पैराटोइड, सॉरी डक्ट ऑफ पैराटोइड, है ना, डक्ट ऑफ सीटीएस, डक्ट्स ऑफ पैराटोइड ग्लैंड, ठीक है ना। जो मैंने बोला था ना वहाँ पर कि सलाइवरी ग्लैंड्स की जो स्मॉलर डक्ट्स होती हैं वो तो हमारे पास किसकी बनी होती है, हमारे पास एक तरीके से, सॉरी सलाइवरी डक्ट्स जो होती है हमारे पास वो किसकी बनी होती है, हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है, लेकिन पैराटोइड की किससे बनी होती है, हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड से, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तीसरा हमारे पास कौन सा जाता है, एपिडिडाइमस, ठीक है, एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना एपिडिडाइमस की। और चौथा आ जाता है हमारे पास डक्ट्स ऑफ पैराटोइड ग्लैंड, ऑल्फैक्टरी हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा, ठीक है, मेल यूरेथ्रा। तो ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने समझाया कि सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, अपीयर तो होता है हमारे पास कि दो लेयर्स हैं या फिर दो से ज़्यादा लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही लेयर होती है क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक है और सभी सेल्स उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसकी क्लासिफिकेशन करी सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड के बारे में मैंने बताया कि ट्रैकिया और ब्रोंचाई होते हैं, ठीक है। नॉन सिलिएटेड के बारे में मैंने बताया कि डक्ट्स ऑफ पैराटोइड ग्लैंड होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, एपिडिडाइमस होती है और मेल यूरेथ्रा होती है, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखते हैं, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है,
पी ओ ई एम, ठीक है ना, इसे हम याद रखते हैं पोएम से, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है पोएम, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड, सॉरी सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड, सिलिएटेड, सिलिएटेड के अंदर ट्रैकिया ब्रांच है, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया डक्टो पैराटोइड ग्लैंड, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एपिडिडाइमिस और मेल यूरेथ्रा, ठीक है। तो एक बार नोट कर लेते हैं और फिर सभी के एक बार एग्जांपल्स दोबारा से याद कर लेते हैं, और मैं बताऊंगा कि किस किस को आपको डायरेक्टली याद रखना है और किस किस से आप किस किस को आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी तो खैर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई दी, हमारे पास पोएम हो गया, इसे याद कर लेना बस, और स्किमर्स को याद कर लेना, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं एक बार, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सब सिंपल ही है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहले आ जाता है सिंपल एपिथेलियल में सिंपल स्केमस, इसके एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अलावा क्यूबॉइडल, कॉलमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जिसे जिसे याद हो गया वह साथ साथ बेसिकली लिखकर चेक कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सिलिएटेड होते हैं, ठीक है ना, और नॉन सिलिएटेड, सिलिएटेड को मैं सी से लिखूंगा और नॉन सिलिएटेड को एन सी से, ठीक है। ये भी सिलिएटेड हो गया, एन सी हो गया, ये भी सिलिएटेड हो गया और नॉन सिलिएटेड हो गया, ठीक है। तो स्केमस में सबसे पहले कौन सा आ जाता है, स्केमस में सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, कैप्सूल एल्वोलाई, मैंने बताया था ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना, और लिम्फ वेसल्स वेसल्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने दो एक्स्ट्रा बताए थे, पेरिटोनियम, ठीक है, और पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, पेरिकार्डियम, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्विमस के हमारे पास एक तरीके से स्क्विमस, सिंपल स्क्विमस के हमारे पास क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। क्यूबॉइडल में अगर सिलिएट्स की बात करूँ तो स्मॉलर ब्रांचियोल्स, ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारे पास लार्जर ब्रांचियोल्स, ठीक है। और नॉन सिलेटेड की अगर मैं बात करूँ, नॉन सिलेटेड की, तो नॉन सिलेटेड की बॉडी के अंदर कौन कौन आ जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम, थायरॉइड वेसिकल्स, ठीक है, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास, पैनक्रियास, ठीक है, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हो गया और हमारे पास क्या हो गया, पैनक्रियास। इसके अलावा नॉन सिलिएटरी में हमारे पास कॉलमनार की बात करें तो हमारे पास कौन सा हो गया, स्टमक और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्टमक और हमारे पास क्या हो गया, इंटेस्टाइन। इसके अलावा सोलर स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो सिलिएटेड में हमारे पास हो जाता है ट्रैकिया और ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची या ब्रॉन्चाई, ठीक है। और नॉन सिलिएटेड में क्या हो गया हमारे पास, एक तरीके से सोलर स्ट्रेटिफाइड में कोलम, डक्ट्स ऑफ पैराटॉइड ग्लैंड, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एपिडिडाइमिस और हमारे पास एम फॉर मेल यूरेथ्रा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं और कल हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे और इसके अलावा इस एजेंशन के बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिप भी देखते हैं कल पढ़ पाते हैं। तो एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्क्विमस, हमारे पास सॉरी वोमेंस कैप्सूल, वोमेंस कैप्सूल और पेरिटोनियम, वोमेंस कैप्सूल हो गया हमारे पास, पेरिटोनियम हो गया, सॉरी वोमेंस कैप्सूल, एल्वोलाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, पेरिटोनियम और हमारे पास क्या हो गया, पेरिकार्डियम हो गया। तो बॉडी की बात करें तो स्मॉलर ब्रॉन्चियोल्स हो गया
और नॉन सिलेबरी की बात करें तो हमारे पास जर्नल एपिथेलियम हो गए, थायरॉइड वेसिकल्स, डक्ट्स ऑफ सेलेबरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं बात करूँ कोलोनरी की तो लार्जर ब्रोंकियोल्स हो गए, और नॉन सिलेटेड की बात करूँ तो सॉरी सिलेटेड में लार्जर ब्रोंकियोल हो गया, नॉन सिलेटेड में वापस स्टमक और इंटेस्टाइन हो गया, सुपर स्ट्रेटिफाइड में सिलेटेड में वापस क्या हो गया ट्रेकिया ब्रोंकी, और नॉन सिलेटेड में वापस क्या हो गया पोयम, यानी कि डक्ट्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एपिडर्माइस और हमारे पास मेरी यूरेथ्रा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और ये सब पढ़कर आए उसके बाद हम कंपाउंड एपिथेलियम को शुरू करते हैं, ठीक है।